वाली बात है। हर बार ऐसे आती है जैसे पता नहीं तो करना क्या चाहती है। वो क्या घर तोड़ेगी, वो तो इतनी जल्दी की उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, तुम पहले अगर घर तोड़ने पे आई तो तुम कोई भी घर तोड़ सकती। अरे तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तो उसका इस्तेमाल क्यों किया? सीधा मुझसे मुकाबला करते, मुझसे बात करती। पापा जी प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। तुमने सच में वो रिपोर्ट, पापा जी आप इसके बोले मत जाइए, ये उतनी भोली नहीं है जितनी वो दिखती है। और तू जितनी जंग है, उसे चार गुना जंग है जितनी जंग दिखती है। सर पीछे ले लो, ये मैग्नीफिकेशन पीछे ले लो, रोल। बोली बंद मत जाके, ये उतनी बोली नहीं है जितनी की वो दिखती है। और तू जितनी चल चला दिखती है उससे चार गुना ज्यादा है। ये सांप भी लगाया तो क्या चाहिए? चल माफी मांग उसे, माफी मांग। नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी मुझसे बड़ी है, भाभी मुझसे माफी मांगेगी तो मेरी बेइज्जती होगी। बेटा मेरी लगा। हाँ 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 बेटा, इंसान जैसा होता है ना वैसी पूरी बांधनी चाहिए, बंदे को देख कर रिएक्ट करना चाहिए। यहाँ अच्छा बंदे से कोई फायदा नहीं है। और देख कर पूरी बांधनी चाहिए काजल, जैसा आगे इंसान हो ना वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। इसके सामने अगर तू ऐसे करेगी ना, इसे रोकने की कोशिश करेगी तो ये और चौड़ी हो जाएगी। वैसे मैं तुझे एक बात, मुझे पता है तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो तूने अभी किया वो बहुत गलत था। माफी मांग, अभी माफी मांग, मांग माफी। ग्रेन आगे, नहीं भाभी आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ मैंने कोशिश करी थी कि मुझे बुरा ना लगे, पर आपने जब मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ठीक होगा। पर हमारे इस घर के लिए यही अच्छा होगा कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं, और मैं वैसा ही करूंगी। सुन लिया तूने? इससे बोलते हैं संस्कार, और जो संस्कार का राग तू अलापती है ना अनुष्का देवी, वो संस्कार नहीं। इस घर की शांति के लिए ये सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन अगर तुम बहनों की पारी आती ना तो तुम जिसने अगर कुछ तुम्हें ऐसा कुछ कहा होता तो तुम चीर फाड़ कर देती उसका। ताकि तुम जो संस्कार की जब देखो तुम्हारी देती रहती है, राग लापती रहती है अनुष्का देवी, घर की शक्ति के लिए सब कुछ बुलाने को तैयार है, ना कि तुम बहनों की तरह। अगर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा कुछ किया होता ना तो चीर फाड़ डालती उसको। तो इसकी बात का जरूर मत मानना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू आज के जमाने में पैदा कैसे हो गई। तुझे तो सिक्का मिल गया कि जमाने में पैदा होना चाहिए। काजल बोली एक्शन। इस समय कैसे पैदा हो गई बेटा, तू तो कलयुग का जमाना, तू तो सतयुग की सीता मैया की जमाने। मैं ना एक्शन ऑर्डर सर, रोल एक्शन एक्शन। तो इस जमाने में कैसे पैदा हो गई?
काजल की भी एग्जिट, अनु की भी एग्जिट। लीला जी एंट्री। आई सर। आपके यहाँ बोले ऑर्डर।